आगरा के प्रधान डाकघर में डाक विभाग का अपना म्यूजियम है। इस म्यूजियम में विभाग ने तमाम तरह की डाक से संबंधित तमाम तरह की धरोहरों को संजो कर रखा है। म्यूजियम का जायजा संवाददाता विनोद जूनियर ने लिया। आज हम डाक विभाग में कुछ अनछुए पहलुओं पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं और कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आज़ादी से पहले का और आज़ादी के बाद का जो परिवर्तन आया है, चाहे वो टिकट में हो, चाहे लेटर में हो, चाहे वो पोस्टकार्ड में हो या फिर अन्य किसी संसाधन के बारे में हो, चाहे वो डाक के बारे में हो यानी पोस्ट बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें लेटर डालते हैं, तो उसके बारे में हो। इस समय आपको हम ये फ्लैटलिक आपको ये म्यूजियम जो आगरा का फ्लैटलिक म्यूजियम पोस्ट ऑफिस में है डाकघर में आगरा में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। इस सेल्फी पॉइंट के बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं आकर के। और हम अब म्यूजियम की तरफ अब चल रहे हैं थोड़ा सा। म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें नई हैं उसको हम आपको दिखाते हैं। आप बहुत अच्छी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे म्यूजियम में। आपको सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब ब्रिटिश शासन था उस समय। ये पोस्ट कार्ड हैं, आप देख सकते हैं। पहले ठीक ऐसे ही पोस्ट कार्ड आते थे जिस पे हम लेटर लिखते थे घर परिवार के लोग, क्योंकि उस समय संसाधन नहीं हुआ करता था लोगों के पास में। संचार का माध्यम सिर्फ यही था, एक रेडियो था। रेडियो के बाद ये पोस्ट कार्ड थे, इसके बाद अंतर्देशी भी आया। आप देख सकते हैं बहुत पुराने हैं ये, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद के हैं या उससे पहले के। हम इससे जानकारी लेंगे लोगों से, लेकिन ये तो श्योर दिख रहा है क्योंकि इस पे ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ कोई राजा का जो यहाँ वो फोटो लगा हुआ है, आप तस्वीर देख सकते हैं। और इसके ऊपर भी हम इंडियन पोस्ट कार्ड जो दिखा रहे हैं, यहाँ भी देखिए कोई है। कौन है ये, हम इनसे पूछेंगे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं। और ये भी आप तस्वीर देखें यहाँ पर, ये जॉर्ज बता रहे हैं जो इंडिया का शासक उस समय था यहाँ पर, ब्रिटिश काल का है। ये सारे पोस्टेज जो पोस्ट कार्ड हैं, ये किसी के राइटिंग में किसी को ये भेजे गए हैं, लिखे गए हैं। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कभी आपने देखी नहीं होगी, आपने कभी इसके बारे में सुना नहीं होगा। ये यही कलर था इसका, कभी डार्क होता था तो कभी थोड़ा लाइट कलर हो जाता था इसका। और ये नीचे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ हम कोई मौजूद है, एक भाई, भाई जरा एक मिनट इधर आइए। इसके बारे में कुछ आपको पता है, आप जानते हैं? हाँ, ये प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट कार्ड है। अच्छा, इसमें भी कई इशू थे। ये सन 1900 से पहले का था, ये तब क्वीन विक्टोरिया थी। अच्छा, उस टाइम का है ये। उसके बाद किंग एडवर्ड आए, एडवर्ड का ये है। उसके बाद फिर जॉर्ज आए, जॉर्ज फोर का है, फिर जॉर्ज फाइव आए थे। उसके बाद लास्ट में जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद ये डेफिनेटिव सीरीज आई थी, तब ये इशू हुए थे पोस्ट कार्ड ये वाले। अच्छा, आजादी के बाद, आजादी बाद का है। अच्छा, तो ये लगभग कितना मान लें, किस सन का मान लें हम जो यहाँ पे लगा हुआ है? 1935 के आसपास का है। अच्छा, ये एडवर्ड का है, ये सर 1901 से लेकर 1910 तक का है। अच्छा, और ये सन 1900 से पहले के हैं ये। तो आपने ये देखा कि यहाँ तस्वीर जो है ये 1901 की है। ये पोस्ट कार्ड जो कैसन लिखा हुआ है इस पर कृष्णन, ये 1901 की है, आज़ादी से कई साल पहले की है, 47 साल पहले की। ये भी देख रहे हैं आप। इसके साथ साथ हम आपको और भी कुछ चेंजेस दिखाते हैं। आप जो हमारे यहाँ सबसे पहले पोस्ट बॉक्स जो बनते थे जिसमें हम लोग डालते थे, आप लेटर डालते थे पहले, ये देखिए सबसे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। ये 2005 में इन्होंने जारी किया है इसको, और ये बना है। पहले ऐसे ही बॉक्स होते थे जिसमें लेटर हम लोग डालते थे, और जो डाकिया हमारे पास जो आते थे वो डाकियों की पोजीशन ये होती थी। पहले इस तरह से चिट्ठियाँ लेकर के डाकिया वगैरह आया करते थे उस समय ब्रिटिश काल में। ये देखिए, ये भी चेंज है। इसके बाद फिर यहाँ चेंज हुआ, फिर यहाँ आ गया। ये भी 2005 में ही है। पत्र पेटी लेटर बॉक्स इसमें लिखा हुआ है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत की जो आज़ादी से पहले की तस्वीरें थी। ये उसके बाद चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ बॉक्स, फिर इस टाइप का बॉक्स आया। इसके बाद का बॉक्स हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए सबसे लास्ट में जो बॉक्स आया है वो आप इस टाइप से बना है, जो एक चौकोर टाइप का बॉक्स है। पहले गोल टाइप का बॉक्स बना करता था। साथ साथ हम आपको कुछ टिकट भी दिखाते हैं यहाँ पर, जो ये कबूतर आप देख रहे हैं, ये 2010 में जारी हुआ था। ये कबूतर तो अभी दिखते हैं, हर जगह दिख जाते हैं। ये अलमारी देखिए, ये भी कुछ चिड़ियों के यहाँ पे ये जारी हुआ था टिकट। ये हम आपको कुछ वो चीज़ें दिखा रहे हैं, तस्वीर जो शायद कभी आपने नहीं देखा होगा या कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। ये देखिए गौरैया है, जो लोगों के घरों में आंगन में ये घोंसला इस तरह से बनाती थी और उसमें रहती थी। लेकिन आजकल ये गौरैया गायब दिख रही है, घरों में बहुत कम दिखाई दे रही है, चूँकि शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, इस वजह से नहीं है। कुछ टिकट यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। टिकट में देखिए
विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की टिकट है ये, जो कभी जारी हुई थी ये, और इस पे तस्वीर आप देख सकते हैं, ये विवेकानंद साहब की ये टिकट उनके नाम पर जारी हुई थी। ये दिखाएं टिकट जरा, स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर ये जारी हुआ था टिकट। और साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो बात करते हैं हम, वो यहाँ पर टिकट के रूप में दर्शाया गया है। ये रामायण काल का दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साफ तस्वीर आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं टिकट में, इसमें संस्कृत में कुछ लिखा भी हुआ है। साथ साथ आपको ऊपर चलते तो नरसिंह, भगवान नरसिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, उनका टिकट ये जारी हुआ था 5 रुपये का। इसके अलावा ऊपर देखिए मत्स्य, जो मछली का जो रूप भगवान विष्णु ने धारण किया था, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर 2008 में टिकट जारी हुआ था। जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु जब थे उस समय का आप भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये तस्वीरें बहुत सारी हैं इसके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये रावण का दहन का टिकट भी यहाँ पर जारी किया गया था, ये टिकट यहाँ आप देख सकते हैं। बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर मौजूद हैं जिससे हम आपको रिफाइन कर रहे हैं। साथ साथ आपको कुछ टिकट्स हम दिखाते हैं जो भारतीय डाक विभाग ने जारी किया था। ये जस्मिन देखिए, जूही जो फूल है उसका 15 रुपये का टिकट, ये इस तरह से जारी होता है। और ये टिकट हर एक जो है चीज़ को डाक विभाग ने इंश्योर करके रखा है, बचा के रखा है अपने इस म्यूजियम में। ये 15 रुपये का टिकट जो ताजमहल का है, ताज का, उसका यहाँ पर जारी किया गया था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये महात्मा गांधी जी का, बापू का ये चरखा, ये 2011 में यहाँ पर इस तरह से बना करके इसको 1 रुपये के टिकट पे इसको जो है जारी किया गया, 2011 का आप देख रहे हैं यहाँ पोस्टर लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया कि ये म्यूजियम डाक विभाग का है और किस तरह से यहाँ पर डाक विभाग ने अपनी सारी चीज़ों को संजो करके रखा है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो भारत के डाक विभाग ने कभी ब्रिटिश काल के दौरान आज़ाद भारत के बाद की तस्वीरें कुछ यहाँ पर शेयर किया है, जो वाकई दिलचस्प और खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। और ये सी न्यूज़ के कैमरे पर पहली बार इसको कवर किया गया है, तो ये सभी के लिए एक अनछुए पहलुओं की तरह है। ये डाक विभाग की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, हम दूसरी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अनुप साध विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।